व्हाट्स up everyone? Welcome वेलकम बैक टू द चैनल तो हम लोग कर चुके हैं हमारा अकाउंटेंसी का शुभारंभ, बिजनेस स्टडीज़ का शुभारंभ। अब बारी आ चुकी है कि हम हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी आज स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को वेलकम करूंगा टू क्लास इलेवन चाहे वो हमारे साइंस स्टूडेंट्स हों जिनके पास इकोनॉमिक्स हैं कॉमर्स वाले तो ऑब्वियसली मुझे जानते ही हैं पहले से और उसके साथ साथ जो हमारे ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स भी हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एल मेक श्योर कि आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो चलिए आज शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें जानेंगे इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिक्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट और देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं लेट्स बिगे जी शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन के साथ और इसमें जो सबसे पहले दो टॉपिक्स आते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस चैप्टर विल टेक थ्री पार्ट्स तीन पार्ट्स में चैप्टर हो जाएगा आने वाले तीन दिनों में हम इस चैप्टर को कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम एक दिन में दो वीडियोस रखेंगे अकाउंट्स और बी एस टी अकाउंट्स ई को ऐसे हम रोटेट करके सब्जेक्ट साथ, -साथ लेके चलेंगे क्योंकि अब आप लोग ने पढ़ना चालू कर दिया होगा और चीजें पकड़ ली होंगी अब शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल इकोनॉमिक्स का फ्रेश चैप्टर नंबर वन आपकी अभी की इकोनॉमिक्स और आज तक आपने जितनी इको पढ़ी है उसमें बहुत फर्क होने वाला है तो बहुत ध्यान से इनको करके चलने वाले हो आप राइट सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है कि भैया इकोनॉमिक्स बाद में बताना ये बताओ इकोनॉमी क्या होता है तो देखो इकोनॉमी क्या है हम लोग हमेशा से बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी तो इकोनॉमीज की हम जब भी बात करते हैं तो इकोनॉमी क्या है हमारे आसपास का पूरा सिस्टम वो पूरा सिस्टम जिसके अंदर बिजनेस हो रहा है जिसके अंदर मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं या फर्म्स हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट है और सब ये मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं धंधा कर रहे हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी चल रही है तो वॉट इज इकॉनॉमी बेसिकली इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है इन विच एंड बाय बायच पीपल गेट अ लिविंग जिसकी वजह से लोगों को लिविंग मिल रही है यानी अपना जीवन जीने का साधन मिल रहा है एंड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का तो बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क काम करने के साधन एंड अर्न अ लिविंग ये हमारे पास इकोनॉमी होता है परफेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास देखो इकॉनमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क यानी काम करने के साधन हमारे आस पास जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन हो रही है जिसमें और पैसा कमाने के मौके वो सब इकॉनॉमी ही प्रोवाइड करता है क्या क्या लिखा है इंडियन इकोनॉमी में सारे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट में कम्युनिकेशन में बैंकिंग में और भी बहुत सारे सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में हैं तो ये सब चीज़ें इकॉनमी को डिफाइन करती हैं नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट आता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या होता है तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ ना तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमी अगर मैं आम भाषा में बोलूँ स्टडी ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमी में चल क्या क्या रहा है किस तरीके से डिमांड है किस तरीके से प्रोडक्शन है किस तरीके से कॉस्ट है किस तरीके से प्रोड्यूसर बिहेव करता है किस तरीके से कंज्यूमर बिहेव करती, करती है कैसे मार्केट बिहेव करती है जब आप इकोनॉमी को पढ़ते हो उसी को आप इकोनॉमिक्स बोलते हो इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं यानी हम पैसे का हिसाब किताब पढ़ रहे हैं यही सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं तो अगर अब हम बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो क्या लिखा है इकोनॉमिक्स के बारे में इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिसोर्स एंड द वांट्स। इसका मतलब ये है इसको समझने के लिए एक डेफिनेशन इसके अंदर आई जिसको हम स्कैरसिटी बोल रहे हैं तो व्हाट इज स्कैरसिटी स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है भैया इसका मतलब इसका मतलब ये है कि जब आपका बर्थडे आता है तो आपकी डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी कि आपको अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है आपको कुछ आ, कपड़े बाय करने हैं कोई गेम बाय करनी है कोई मोबाइल बाय करना है कितनी सारी डिमांड्स होती हैं एक इंडिविजुअल की लेकिन सप्लाई यानी जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा कम होती हैं तो इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कोई भी इंसान हो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होगी और जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होगी वो हमेशा कम होगी क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड खत्म ही नहीं हो सकते कभी खत्म नहीं होंगे एक छोटा बच्चा साइकिल से शुरू होता है एरोप्लेन तक जाता है और घूम के फिर साइकिल पे आ जाता है समझ रहे हो तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है तो उसको ना चॉइस करनी पड़ती है कि क्या लूं और क्या छोड़ूं आप कोई चीज अगर ले रहे हो तो उसके बदले में आपको बहुत सारी मल्टीपल चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं ये ह्यूमन नेचर है और ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी तो यही स्टडी करना है कि, कि किस तरीके से आप लिमिटेड रिसोर्सिस के साथ ज्यादातर अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो और एक ऐसा रिलेशनशिप बना रहे हो जिसके अंदर आप सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कंज्यूमर भी खुश है प्रोड्यूसर भी खुश है यही तो इकोनॉमिक्स है तो वट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसिस चॉइस बनानी है इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी क्योंकि कमी है तब भी आपको चूज करना है एंड स्टडी ह्यूमन बिहेवियर कैसे कि उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और क्या उसकी वॉन्ट्स हैं ओके वॉट इज स्कैरसिटी इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई सप्लाई कम है इन रिलेशन टू द डिमांड डिमांड बहुत ज्यादा है स्कैर इज़ यूनिवर्सल यूनिवर्सल का मतलब है कि चाहे कोई भी देश हो छोटा बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो छोटा बड़ा स्कैरसिटी हमेशा रहने वाला है स्कैरसिटी ऑफ कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोज इकोमाइजिंग का मतलब होता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस जब भी स्कैरसिटी होगी कमी होगी तो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द रिसोर्स कम पैसे में ज्यादा आपको एंजॉय करना है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल Resources. तो इकोनॉमी समझे इकोनॉमिक समझे सिटी समझे नेक्स्ट क्या आ रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं बेटा जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का क्या मतलब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब सीधा है बड़ा सरल है कि आप लोगों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है पैसा लिमिटेड है अब आप एज अ प्रोड्यूसर सोचो कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास लेबर लिमिटेड है आपके पास कैपिटल लिमिटेड है आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड है हर रिसोर्स लिमिटेड है ठीक है तो अब आपको देखना है कि पहले तो आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो क्या बनाऊं कितनी क्वांटिटी में बनाऊं ज्यादा बनाऊं कम बनाऊं जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे पास होने चाहिए कैसे बनाऊं दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कैसे बनाऊं कैसे बनाऊ का क्या मतलब है कौन सी टेक्निक यूज करूं क्या मैं कंप्यूटर्स की मदद लूं क्या मैं मशीनों की मदद लूं या मैं हैंडमेड चीजें बनाऊं उसके बाद कौन सी कैटेगरी के लिए बनाऊं अमीर के लिए बनाऊं गरीब के लिए बनाऊं मिडिल क्लास के लिए बनाऊं कौन सी सोसाइटी के लिए बनाऊं हाई क्लास के लिए बनाऊं मिडिल क्लास के लिए बनाऊं लोअर क्लास के लिए बनाऊं हर चीज कंसिडर करनी पड़ेगी इन सभी प्रॉब्लम्स को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं क्योंकि रिसोर्सेज फिर से लिमिटेड और वॉन्ट्स अनलिमिटेड तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी तो है. आप किस तरीके से अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सैटिस्फाई कर रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और उन रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस आप कर सकते हो परफेक्ट सेंट रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर देयर कार सिट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको साउथर्न इंडिया लिखेंगे मेजर प्रॉब्लम है स्कार सिटी कमी कोई भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है क्योंकि रिसोर्स आर लिमिटेड है ना सबको वही चीज चाहिए लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स ह्यूम का भी सैटिस्फाई नहीं होते हैं इंसान भैया एक ऐसा जानवर है ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स तो इंसान एक ऐसा एनिमल है जो कभी भी नहीं होगा नेवर उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए हमेशा कोई चीज अचीव कर लेगा नया सपना वो हो जाएगा फिर नेक्स्ट सपना हो गया फिर नेक्स्ट सपना वो सपने ही खत्म नहीं होते उसके तो ऑफ रिसोर्सेज अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट एंड देन यूजेस जो आपके पास पैसा है या रिसोर्स है उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस आप कर सकते हो तो कौन सा बेस्ट है फिर वो प्रॉब्लम है ना तो ये हमारे पास प्रॉब्लम रहता है स्कैर ऑफ यूजेस रिसोर्सेज अनलिमिटेड ह्यूमननेटिव यूजेस स्कैर सिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स की हम बात कर चुके हैं एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस की भी हम बात कर चुके हैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब आता है हमारे पास वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वॉन्ट्स अब देखो जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं स्केयर है

एक टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सबसे पहले तो डेफिनेशन पकड़ो और इसी की मदद से चीज़ें समझने की कोशिश करना इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन एक वो कॉस्ट किस चीज़ की कॉस्ट अगले बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो आपने छोड़ दिया फॉरगोन का मतलब क्या होता है जो आपने छोड़ दिया यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई करी मैंने अपनी बैचलर्स uh, करी इन कॉमर्स बी कॉम मास्टर्स करी उसके बाद मुझे एक ठीक ठाक जॉब मिल गई थी ठीक है एक ठीक ठाक जॉब मिल गई थी बट देन मुझे समझ में आया कि दिस इज नॉट फॉर मी मुझे लॉ करना चाहिए मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है मैंने एल करी लॉ प्रैक्टिस करी और मैं लॉ प्रैक्टिस करने लगा तो मैंने उस लॉ को चूज किया ओवर दैट जॉब मैंने लॉ के लिए वो वाली जॉब छोड़ दी वो वाली जॉब ड्रॉप कर दी उसके बाद फिर मैं पढ़ाने लगा बच्चों को मैं पढ़ाने लगा तो मैंने अपना प्रैक्टिस कम कर दिया यानी मैंने अपना टाइम सारा टीचिंग में लगा दिया तो फिर उस सिनारियो में मैंने टीचिंग के लिए प्रैक्टिस को सेक्रीफाइस तो तो कर रहे हो ना एक बेटर के लिए उस मिसिंग आउट वाले पार्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं लाइक like, आपके पास अगर तीन ऑप्शन है आप एक चूज कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो आपने ड्रॉप किया है क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट

थर्टी फाइव थाउजेंड इसका मतलब जब आपके पास पांच सात दस ऑप्शन होते हैं और आप कोई एक सेलेक्ट करते हो अगर आप वो सेलेक्ट ना करते तो अगला कौन सा बेस्ट ऑल्टर था जो आपने छोड़ा है उसी को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वर्ड इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन समझ में आया ठीक है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बच्चा अब आता है कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं दिस इज गोइंग टू बी आर

आई वर्ड आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए वर्ड आता है माइक्रो इज कोई भी छोटी स्टडी करना एंड मैक्रो इज कोई भी बड़े लेवल की स्टडी करना समझ रहे हो अब मैं आपको बोलूं कि हम लोग ह्यूमन नेचर पढ़ना चाहते हैं और ह्यूमन नेचर पढ़ने के लिए मैं एक स्कूल में चला गया उस स्कूल में भी मैं एक छोटी सी क्लास में गया उस क्लास के अंदर भी मैं बॉयज में गया और बॉयज में भी मैंने दो बॉयज सेलेक्ट कर लिए और मैं उन दो बॉयज़ पे स्टडी कर रहा हूँ तो मेरी स्टडी इज ऑन माइक्रो लेवल मेरा स्टडी एक छोटे से लेवल पे है उसको क्या बोला जाता है माइक्रो लेवल तो मैं क्या पढ़ रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं क्या पढ़ रहा हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं तो बेटा जी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं अब मैंने बोला मुझे ह्यूमन माइंड की स्टडी करनी है तो मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी पे गया और पूरी यूनिवर्सिटी पे सर्वे कर डाला वहां मैक्रो लेवल पे बात हो रही है बड़े लेवल पे बात हो रही है तो जब भी बात छोटे से लेवल पे होगी माइक्रो बड़े लेवल पे होगी मैक्रो सिंपल है है ना तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आया कहां से है इसके अंदर मेनली आपको यही देखना है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एम आई के आर ओ एस माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोज से आया है विच मींस स्मॉल एंड मैक्रो कहां से आया है मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज एम ए के ये भी के है बच्चे याद रखना एम ए के

ह्यूज लेवल पे चीजें करना तो माइक्रो इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं डिमांड और सप्लाई माइक्रो में आप इंडिविजुअल डिमांड एक इंसान की डिमांड एक इंसान की सप्लाई के बारे में चीजें पढ़ते हो मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड पूरी इकोनॉमी की डिमांड पूरी इकोनॉमी की सप्लाई इनके बारे में हम चर्चा करते हैं इसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो का इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइजेस माइक्रो में हम प्राइस की बात करते हैं और इधर इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो में हम पूरे नेशनल लेवल की इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कैलकुलेशंस करते हैं अलग अलग माइक्रो के टूल्स देखेंगे हम जो प्राइस पे फोकस करेंगे मैक्रो के टूल्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे इसके बाद डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एग्रीगेशन का मतलब सम होना ऐड होना चीजों हो का तो माइक्रो में बहुत कम लेवल का एग्रीगेशन होता है ज्यादातर चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे ही पड़ी जाती हैं इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन और इसके अंदर हाइएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इसके अंदर तो सब कुछ ही बड़े लेवल पे है सब कुछ ही सम करके पढ़ा जाता है इसके बाद एजम्सन क्या है जब आप माइक्रो पढ़ रहे हो ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट जब माइक्रो पढ़ रहे हो तो एज्यूम करके देखो कि सब मैक्रो कॉन्स्टेंट है जब माइक्रो पढ़ रहे हो इट एज्यूमस दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स आर कॉन्स्टेंट माइक्रो में मैक्रो कॉन्स्टेंट है मैक्रो में माइक्रो कॉन्स्टेंट है अदर नाम क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को बेटा जी प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं माइक्रो इज टर्म एज प्राइस थ्योरी इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी फिर एग्जाम्पल्स लिख देंगे इंडिविजुअल की इनकम देखोगे तो माइक्रो नेशन की इनकम देखोगे तो मैक्रो इंडिविजुअल का आउटपुट देखोगे तो माइक्रो पूरे, तो पूरे नेशन का आउटपुट देखोगे तो मैक्रो छोटे लेवल पे माइक्रो बड़े लेवल पे मैक्रो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी हमने इकॉनमी पढ़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी इसके बाद हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के रीजंस पढ़े मल्टीपल चीज़ें आज हमने पढ़ी है इस पार्ट में एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लगा होगा और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली होंगी आने वाले वीडियोज़ में हम इकॉन्मिक्स में और भी शानदार चीज़ें पढ़ेंगे आज एक बार जो भी किताब आपके पास है आप उसमें से गो थ्रू कर लो रीडिंग लगा लो चीज़ों की देखो और क्या लिखा है और अपने नोट्स साथ साथ बना के चलना और हम बहुत अच्छे तरीके से इकॉन्मिक्स को ख़त्म करेंगे और एक एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा यहीं पे बस आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई चालू रखनी है मिलता हूँ बहुत जल्द गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन वीडियो लाइक ज़रूर करना सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना और जो भी दिल में आए कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना थैंक यू सो मच